स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी सूचना आप सभी के लिए है और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं। तो एक बार पुनः टीम की तरफ से मैं आलोक शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो आप देख रहे हैं थंबनेल, नई शिक्षक भर्ती आचार संहिता में भी भर्ती हो सकती है। और जरूर इस थंबनेल के देखने के बाद आपके दिमाग में विचार आया होगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, एक अभी कल नियमावली आई थी जो बहुत तेजी से वायरल हुई है, तो क्यों वायरल हो रही है ये नियमावली, आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्या बदलाव है, आपके लिए कितना फायदा है, कितना नुकसान है, एक एक चीजों पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में आपको एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग, सबसे पहला मुद्दा जो है जी आचार संहिता में भी भर्ती। अभी जो आचार संहिता का अगर बात किया जाए तो एक इन्होंने जो गाइडलाइन हर बार देते हैं और उस गाइडलाइन की बात किया जाए तो इन्होंने बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज हैं, ठीक है, जिनकी अपनी स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, उसके बारे में इन्होंने साफ साफ कहा और लिखा है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टाफ स्टेट कमीशन, मतलब कि एसएससी और एनी अदर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन, ये क्या कह रहे हैं कि कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट, मतलब कि वो जो चयन की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे कि आपको खबर मिल रही होगी कि अभी जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये भी गठित हो गया 12 सदस्य का। अभी तक ये थे कि इनके अध्यक्ष नहीं हो रहे हैं तो माध्यमिक से जो अध्यक्ष हैं वही उठा के यहाँ पे कर दिए, मतलब अध्यक्ष वाली भी समस्या खत्म हो गई। सारी कार्यप्रणाली इनकी कंप्लीट कर ली गई है और अभी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आचार संहिता लगे हुए भी आपकी नई वैकेंसीज आ जाए। हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल वैकेंसी नहीं आ सकती है। इसलिए अब आप लोग अपनी जो भी तैयारी, आप चाहे प्राथमिक वाले हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी वाले हो, चाहे आप एलटी वाले हो, चाहे आप जीआईसी वाले हो, जो भी है आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत समय हो गया शिक्षक भर्ती की चली नहीं है, जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा आई नहीं है, उनके कोई भी विज्ञापन आए नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो फोकस है शासन का इस आयोग के गठन के बाद लगातार पिछले 2-3 वर्षों से इसी पर कार्य चल रहा है, तो अब वो बहुत ज्यादा देरी नहीं किएंगे और जब सब उनके हाथ में है तो अब आपके सामने ये सारी चीजें जो विज्ञापन है वो आपका परोस देंगे। हालांकि इसमें लिखा है थ्रू नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी विल रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन, कोई ऐसी बॉडी है जो नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है उसे परमिशन लेना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं कि प्रदेश का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये भी अगर देखा जाए तो ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी आता है और ये आपके रिक्रूटमेंट्स करा सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे मैं सारी चीजें आपको बोल रहा हूं और ये आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे सारी चीजें मिल भी जाएंगी आपको बहुत इत्मीनान से। अब आते हैं कि यहां पे जो हमारा दूसरा पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट आपका ये था कि आखिर इस नियमावली में ऐसा क्या है जो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है। तो वायरल होने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, मैं आपको पहले से ही बता दूं और इसको मैं अलग से भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इसमें पूरा का नियमावली पढ़ूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, बट आपको मेजर पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। ये प्रारूप नियमावली है और ये किसके लिए है, ये अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। इनमें सभी प्रकार की जो भर्ती है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, और साथ साथ इसमें प्रमोशन के साथ साथ का भी जिक्र किया गया है, एक प्रारूप बनाया गया है। प्रारूप में इन्होंने आयु क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के बारे में तो जिक्र इन्होंने नहीं किया, बोला कि जैसे जैसे समय समय पाठ्यक्रम डिसाइड होंगे वैसे वैसे होगा, बट इन्होंने पैटर्न के बारे में बताया कि आपका एक सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो होगा और एक आपका सब्जेक्ट से संबंधित पेपर होगा, उसके बारे में भी जिक्र किया। आयु में इन्होंने परिवर्तन किया है और आयु में परिवर्तन खासकर किसके लिए क्या है, प्रधानाध्यापक पद के लिए क्या है, जो 30 से देखा जाए 40 के लिए है, और बाकी सारे पदों पे जो लिखा गया है वो 21 से 40 किया गया है, जो पहले शिक्षक भर्ती में 60 साल भी होता था। तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये एक नुकसान की बात है, कोई बहुत ज्यादा फायदा वाली बात नहीं है अगर नियमावली की बात किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग है और आयोग में नई नियमावली गठित हो रही है, नई तरीके से चल रही है, और हर आयोग में जो अधिकतम है वो 40 ही मांगा जाता है, तो उनका अपना हिसाब है, उसके आगे हम लोग कर भी नहीं सकते। इस बात को आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। सॉरी, अब आते हैं हम लोग। तो ये अगर आप लोग देख लियोगे तो पहला जो मुद्दा आपका है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लियोगे, और इन्होंने इसके बारे में सब कुछ कहा, जैसे संक्षिप्त नाम, परिभाषाएं क्या होगी, इनके बारे में क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको इनके बारे में बताया गया है। अभी हम लोग यहाँ पे और देखें तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिमाग में डाउट ना रहे। दूसरा पॉइंट जो हमारा था कि नई नियमावली फायदा नुकसान, तो मैंने बता दिया कि इसमें अधिकतम नुकसान ही है। साथ में जैसे इन्होंने प्रोविजन पीरियड का भी, जो 2 साल प्रोविजन पीरियड होते हैं, प्रोविजन पीरियड के भी प्रावधान बताए हैं, और वो भी कई बहुत ज्यादा कड़क है, जो बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन सकता है। इन्होंने इस गाइडलाइन में देखा जाए तो प्रमोशन की भी बात की
किया है और ऐसे बहुत सारे पद जहां पे प्रमोशन से भी हो सकते हैं, तो उनकी प्रमोशन की और जो डायरेक्ट भर्ती है, जो बोल सकते हो सीधी भर्ती होती है, दोनों की संयुक्त लिस्ट बनाने की भी जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब वाले भी और जगह बीटेक वालों का कितना सुकून, मैंने इसलिए लिखा है बीटेक का टैग डाल के कि बीटेक वालों को फायदा, बीटेक वालों को सॉरी बीएड वालों को फायदा, बीटेक करो बीएड वालों को फायदा, बीएड वालों को ऐसा हो रहा है। मैं एक बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता दूं कि इस नियमावली में बीएड वालों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और जो इनके अर्हताओं के बारे में बोला है, इन्होंने बोला है कि अर्हताएं जैसे पहले थी वैसे ही अर्हताएं के बारे में रहेंगे, इनसे अलग कुछ भी इस नियमावली में जिक्र नहीं है। तो कृपया बीएड वालों ये गलत आप लोग बोल सकते हो कि गलत फहमी में मत पलो, जो चीज़ें पहले थी वो वही थी, जो है वो मैं क्लियर बोलूंगा, और ये कहीं ना कहीं गलत तो है ही, इस बात के लिए मैं भी सपोर्ट करता हूँ। प्राथमिक जूनियर टीजीटी पीजीटी, तो प्राथमिक जूनियर टीजीटी पीजीटी में क्या है कि मतलब किनकी वैकेंसीज है, तो ये अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उनके बारे में नियमावली बोली गई है, और लगभग सभी में लगभग सभी के लिए इनमें वैकेंसीज की बात किया गया है। जैसे इसमें आप देखोगे तो उन्हीं पद के बारे में बात किया है कि किस प्रकार से इन्होंने उसका ये बोल सकते हो, पेज नंबर 2 कहाँ गया, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। हाँ चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने जो भाग 2 भर्ती में बोला है कि भर्ती का स्रोत क्या है, तो भर्ती के स्रोत में इन्होंने किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक यहाँ पे नियुक्ति आएगी, या प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक आएंगे, और जो आपके ये प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक हैं ये आपके टोटल सीधी भर्ती से 100% मतलब इनके लिए फॉर्म निकलेगा, ये पेपर देंगे, लिखित परीक्षा होगी, और खासकर प्रधानाचार्य में लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है 90% लिखित परीक्षा से और 10% इनके में इंटरव्यू भी है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंटरव्यू हो गया है तो बहुत ज़्यादा धांधली होगी, ऐसा नहीं बेटा, यूपीएससी में भी इंटरव्यू होता है, यूपीपीएससी में भी इंटरव्यू होता है, क्या सारा चीज हर जगह पे धांधली होती है, तो ये नेगेटिविटी मत लाइए। 10% प्रधानाध्यापक का पद है, प्रधानाचार्य का पद है, तो ऐसे पद को इंटरव्यू के साथ जोड़ा जाता है, गरिमा का पद होता है, और ये बिना इंटरव्यू के मेरे भी सोच से अगर इंटरव्यू ना लिया जाए तो डायरेक्टली केवल रिटन पे ये पद नहीं भरे जाने चाहिए, इंटरव्यू होना जरूरी है, और मार्क्स भी बहुत कम है, केवल 10% है, तो धांधली की बात बहुत ज्यादा चांसेस रह नहीं जाता है, ये बात आप समझिएगा, आप लोग समझदार बच्चे हो इसको दिमाग में रखिएगा। प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक, प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक में क्या है, पहले में 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा होंगे, और 50% जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके प्रमोट होंगे, और प्रमोट कहां पे होंगे, जो एलटी होंगे जिसे बोला जाता है प्रशिक्षित स्नातक, इनसे क्या होंगे, इनसे प्रमोटेड होंगे। अगर मैं यहां पे बोलूं श्रेणी 3 में किसकी वैकेंसी निकलेगी, तो यह है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक, जिसे टीजीटी वगैरह हो गया, एलटी वगैरह हो गया, और ये सारे के सारे क्या होंगे, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, ये आप देख सकते हो यहां पे भी, इसको मैं अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और चौथा है जो प्राथमिक खंड के अध्यापक, और ये 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। टिप्पणी में इन्होंने लिखा है संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के अनुसार रहेगी, और एनसीटी का ही आपने देखा होगा अभी जो आया है वो एनसीटी का ही है कि भाई बीएड वालों के लिए उन्होंने क्या बोला है, ये बात आप लोग को पता है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी इन्होंने कई जगह सैलरी पर भी चर्चा किया है, अर्हताओं के बारे में चर्चा किया है, अर्हताओं में इन्होंने जो चेंजेस है वो केवल किसके चेंज है, वो सारी शैक्षिक जो अर्हता है वो तो जो सेम था जो पहले था वही है, केवल इन्होंने आयु के बारे में कहा है, और आयु के बारे में देखा जाए तो आयु के बारे में प्रिंसिपल का जो है वो 30 से 40 कर दिया है, और बाकी जो कैडर है वो 21 वर्ष से होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि उस कैलेंडर वर्ष में जिसमें ऐसे पदों की रिक्तता आयोग द्वारा विज्ञप्त के 1 जुलाई से 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक पे भी एक लोड है, और ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है क्योंकि 10 ही साल के लिए यहाँ पे मिलेगा मौका। बाकी अगर देखा जाए तो रिक्तियों की संख्या है ये कौन करेगा, अभी जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंडलीय संयुक्त शिक्षा, इन्हीं को बनाया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के निदेशक बनाए गए हैं, और यही आपके परीक्षा नियंत्रक, यही आपके क्या होंगे, प्रभारी भी होंगे, और यही सारी चीजें आपका करवाए में इन्हीं के हाथ में सारी पावर भी है, इस कारण से उनको खुद का पहले अनुभव भी रहा है, हर चीज रहा है, तो बना दिया गया है अभी, इस कारण से ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा लेट लपाट नहीं होगा और बहुत आराम से आपकी वैकेंसी जो है वो आराम से कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें नहीं, इसके अतिरिक्त जो भी आपके डाउट हो वो सारे डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके एक एक डाउट को यहाँ पे पूरा रिप्लाई करने का भरपूर प्रयास करूंगा और आपके रिप्लाई में दूंगा भी। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए एक बहुत बेहतरीन तैयारी टीम परीक्षा प्लस करवा रही है, इसके लिए शिक्षक प्लस एक अलग चैनल भी बनाया गया है और सारी तैयारी वहां पर करवाई भी जाएगी, आप परीक्षा प्लस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आप तमाम कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।